अभी हम ओंकारेश्वर की नगरी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रुके हुए थे, थोड़ा हमने खाए हैं भाई से फालूदा और बढ़िया बनाया था। यहाँ से हमें पता चला कि ओंकारेश्वर करीब 10 किलोमीटर है, वहाँ पे जाके दर्शन करके आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं और ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा, वीडियो में जुड़े रहे, आपको आगे बताते हैं। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम ओंकारेश्वर में पहुंच चुके हैं और चारों बंदे हम साथ हैं। ओंकारेश्वर में आने के बाद हमें पता चला है ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करने के बाद एक ज्योतिर्लिंग पूर्ण माना जाता है, तो प्रथम अब ओंकारेश्वर के दर्शन होते हैं, तो हम कर रहे हैं प्रथम ओंकारेश्वर जी के दर्शन और उसके बाद करेंगे ममलेश्वर भगवान के दर्शन। दोनों नर्मदा नदी के एक किनारे पर ओंकारेश्वर भगवान का मंदिर है और दूसरे किनारे पर ममलेश्वर जी का मंदिर है, तो दोनों के संपूर्ण दर्शन को एक ज्योतिर्लिंग माना जा सकता है। आप सामने देख सकते हैं ममलेश्वर भगवान का मंदिर है और इस छोर पे जहां हम अभी जा रहे हैं यहां है ओंकारेश्वर भगवान का मंदिर, तो प्रथम हम दर्शन कर रहे हैं ओंकारेश्वर भगवान जी के। अभी हम आए हैं ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए, महाकाल उज्जैन के दर्शन हो चुके हैं और यहां पे आए हम दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आप बोट से भी ओंकारेश्वर भगवान की परिक्रमा कर सकते हैं और नर्मदा का संगम पे जा सकते हैं। और जब तक हम लोग मंदिर परिसर में पहुँचे भीड़ बहुत थी और मंदिर का बंद होने का समय हो चुका था, तो आज के दर्शन अभी नहीं होंगे, शाम को आरती के दर्शन होंगे, बट हम सब कल सवेरे जल चढ़ा के जलाभिषेक करके ही निकलेंगे आगे, तो हम दर्शन करेंगे कल सवेरे को। आरती के दर्शन हम मंदिर प्रांगण से कर लेंगे और बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि नर्मदा नदी है और नर्मदेश्वर शिवलिंग इसी नदी से निकलता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर में दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे ममलेश्वर के लिए और ममलेश्वर में दर्शन करेंगे। अभी हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर, सवेरे के बज रहे हैं अभी 6 और हमने सोचा सवेरे सवेरे बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे त्र्यंबकेश्वर के लिए और अभी हम दोनों बंदे में साथ में हैं, गौरव और बिन्नू आगे हैं, वो मंदिर पर पहुंच चुके हैं और सामने राम मंदिर, ये है मंदिर। अभी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम आए थे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि ठीक हमारे पीछे है, दर्शन कर लिए हमने, बहुत अच्छे से दर्शन हुए ओंकारेश्वर के, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और ममलेश्वर के भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अभी ममलेश्वर दर्शन करने के बाद हम निकल रहे हैं अपने होटल पर और अपना नाश्ता करके चेकआउट करके हम निकलेंगे त्र्यंबकेश्वर के लिए और मैडम बैठी हुई है। आपको कैसा लगा दर्शन करके? बहुत ज़्यादा अच्छा। दर्शन कैसे? बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए, देख सकते हैं।